बोलते हैं वो तेरी बड़ी सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तुम सबका स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। हैंड गाइस, आज की व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हमेशा अपने घर से। हैंड भाई, तुमने बताना तो मैं जो कल का व्लॉग था हमारा कठुआ का, वो व्लॉग तुम्हें कैसा लगा? भाई मैंने ना भाई वो व्लॉग 13-14 दिन के बाद बनाया था और भाई मुझे ना ऐसे बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, बट मैंने फिर भी व्लॉग बना दिया। मैंने व्लॉग देखा बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम बता तुम्हें अच्छा नहीं लगा इस व्लॉग में कमेंट पक्का याद से करो, ठीक है? एंड गाइस, आज है भाई डे टू, एंड आज भाई हमारे यहाँ पे इतना खतरनाक प्यारा सा मौसम है ना, आज कितनी स्पीड में भाई की बात है ना। चक्कर नहीं भाई, मैं अपनी स्पीड मार था आगे से ना, लेन था ऐसे, ठीक है? और वहाँ से दो आंटियाँ एकदम से आगे आ गई भाई, मेरे ना मजाक में मेरे गले में आ गए। मैंने कहा मैं ब्रेक लगाऊंगा तो तू, फिर भाई अचानक से पता नहीं कैसे कंट्रोल हो गई बाइक। भाई करेंगे इतना साफ क्यों हो गया आपका रंग, दिन भर से निखर रहा है, क्या राज क्या इसका त्वचा का? तो भाई भाई अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हैंड भाई, अभी ये खड़ा बीतरी है, खड़ा मेरा बीतरी अभी होने वाले भाई राइड। तुम देखोगे तुम कहोगे भाई सुभान अल्लाह चुमेश्वर। और भाई आज ना भाई कठुआ में ना एक ये राइडर है तुम्हारा भैया, मतलब समझ जाओ गाइस क्या ही होने वाला है, मैं तबाही। जाओ 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 यार, करवाओ जनता साइड आ गया भाई, बंदा कहता मैं लोग वहाँ पे साइड करवाता हूँ। भाई भाई इसे बोलते हैं खतरनाक वाली टॉपी। क्या भाई राइड मजेदार हो रही है, मजाक नहीं कर रहा भाई, पीछे चलना विशाल भाई एंड वो हर चीज़ कैप्चर कर रहा तुम्हारे भाई, पता सारी चीज़ें भाई, पता व्लॉग का ना मज़ा तब आता है जब पीछे बंदा कैप्चर कर रहा हो, मज़ा तभी आता भाई जब बंदा ना कैप्चर कर रहा हो। चलो तेरी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की भाई गाड़ी मैंने। क्या था मादर चोर बंदा यार, एक गाली ने दूं तो क्या दूं यार, खुद बताओ ना। फिर कहता गाली देता, गाली देने क्या क्या बंदा यार, ये गाली ने नहीं पर मुंह पे गाली इन बंदों को चूत के जा रहे और रुक नहीं रहा, हॉर्न मार रहे चलते यार, इधर घर रहा गाड़ी, ये कमाल का बकचोद है यार इनका गाड़ी। तो भाई सभी ना माचे का मार्केट वाली साइड हो रहा भाई, ये ब्रदर यहाँ पे चलो आज बाजार पूरे खाली है यार, क्या बोलते हो?
हाँ गाइस सारे बंदे ना गाइस मेहनत कर रहे हैं, विशाल अलग मेहनत कर रहा है, मेरी अलग मेहनत है, वो देखो बंदा फोन से ब्लॉग कर रहा है भाई। यार भाई मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊँ, विशाल पीछे चल रहा है, वो मेरी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ स्टैंड बंद वो सब रिकॉर्ड कर रहा है। मैं रह रहा हूँ भाई खाली हाथ, मलते रह गया मैं। चेक करो चलो भाई मजा आ रहा है वहां आज ब्लॉग करने का यार। क्या रखा भाई, भाई पक्का देखा पीछे देख रहे भाई ऑटो वाले। हाँ भाई एक्ट वाले की बात बिल्कुल सही थी, कहता कि भाई आहिस्ता चलाओ, जाने एक बार मिलती है बार बार नहीं मिलती, बट उसे नहीं पता भाई हम प्रो है ठीक है। वो चक्कर साले फोन छीन लोगे तेरा, इस बार तेरा फोन नहीं बचता। भाई मेरे पीछे चलना, मेरे पीछे ना ब्रेक लगा दिया करो, मार के बीच में नहीं मार पाएगी भाई। नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं पीछे ही हूँ, मैं दूर ही रहता हूँ। दोपहर पे ना यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी, अभी आके थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ पता। तो भाई मैंने टायर का थोड़ा सा प्रेशर कम कर लेता हूँ यार, भाई अब ना स्टॉपी हो जाएगी ना खतरनाक। तो भाई गिली मारते हैं गाइस, अगर आपको अच्छी ना ब्लॉग अच्छा लग रहा है भाई लाइक कर सब्सक्राइब सब कर दो भाई ठीक है। भाई बच्चे कह रहे बीली मारो लो, बच्चे मार दी खुश खुश बच्चे। अगर बच्चे तुम मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना कमेंट याद से कर दे, अगर तुम कमेंट नहीं कर रहे भाई तुम्हारी एक चीज मुझे घटिया लगती है। बच्चों जो भी बंदा व्लॉग देखता है गाइस प्लीज कमेंट लाइक शेयर सब करा करो ठीक है गाइस। शॉपिंग क्या होती है तेज वाला लड़का। चूतिया बंदे यार साड़े हैं गाड़ी, इधर से आ रहे उधर से आ रहे यार। अरे सारे बंदे घूर के देखते हैं, मुझे इस चीज़ की बड़ी लाभ हुआ यार, क्यों देखते हैं यार, मतलब कुछ गलत कर रहा है, मतलब बताओ ना यार अपनी बाइक है खुद स्टंट कर रहे हैं। दो कैसे दो कितने इकट्ठे हो गए भाई, भाई इतने इतने बिजली का क्रेज है यहाँ पे भाई, बिजली का बड़ा सारा क्रेज है यार यहाँ पे, वो जान पता लगा भाई बिजली का इतना क्रेज है भाई कठुआ में। लास्ट टाइम निखिल भगत भाई इधर लिखा इधर लिखा इधर लिखा निखिल भगत निखिल ओके।
स्टंटमैन, ओहो भाई स्टंटमैन देख रहे हो भाई, ओ भाई खुश हो सारे, क्या भड़के मार दे लड़के यार। शुरू हो गया मतलब यहाँ पे ना मिट्टी मिट्टी फैन गया जो हाल में तुम हाथ देख रहे हो भाई, इस मेहनत के लिए भाई लाइक कर दो, इस मेहनत के लिए ये मेहनत देख रहे हो भाई, ये खुद नहीं आया ये हैंडल पकड़ के आया, मेहनत है यार मेहनत है भाई, सुबह से निकला ब्लॉग कर। सो फाइनली ये सभी आ चुके हैं अपने गाँव में हैंड भाई, तुम देख रहे हो पीछे एकदम से तुम्हारे पहले स्विच कर लिया सिटी से विलेज, देख रहे हो भाई तुमने कमेंट करके पक्का देखना तुम्हें ये बाइक विलेज में अच्छी लगती है सिटी में अच्छी लगती है। सो गाइस तुमने एक चीज़ देख रहे हो, तुमने देखो मुँह ना पूरा पसीने से ना स्वेट स्वेट हो गया, देख रहे हो पूरा ऐसे चिपचिपा सा मुंह हो गया। गाइस मैं तभी कहता हूँ गाइस कि व्लॉग बनाना आसान काम नहीं है, कभी दोपहर को बाहर निकल के देखो हेलमेट वेयर करके तो मैं पता लग जाएगा व्लॉग बनाना आसान है कि मुश्किल है, ठीक है। गाइस भगवान है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करता है, जैसे भाई मैं सुबह घर से निकला भाई इतनी गर्मी थी 40 डिग्री सेल्सियस प्लस था, और अब जब मैं गाँव वापस आ गया हूँ ना एंड मौसम देख रहे हो गाइस, मैं मजाक के बिना बता रहा हूँ अपनी भी इतनी ना पूरे कठुआ में मशहूर है भाई, तुम मानो या ना मानो वो तुम पे, बट मुझे पता ना मैं आज अपनी बाइक में जहाँ पे भी लगा रहा था ना वहाँ पे बच्चे आ रहे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, कहते भाई निखिल भैया आप, मैंने कहा पहचान ले तुम्हें।